हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ पम्मी। आज हम बनाने जा रहे हैं रसम, जो एक साउथ इंडियन डिश है, सूप जैसी। ये एक बेसिक रेसिपी है जिसे हम बिना दाल के और बिना रसम पाउडर के बना रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं रसम को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इमली लेंगे। ये हमने एक नींबू के साइज जितनी इमली ली है, इसको बोल में डालेंगे। ये आधा कप हमने वार्म वाटर लिया है, इसको भी साथ में डाल देंगे और इमली को थोड़ा क्रश कर लेंगे और इसे आधा घंटा के लिए भिगो के रखेंगे। इसे ढक के साइड में रख लेंगे। ये कुछ मसाले हैं, इन्हें हम मोटा मोटा कूट लेंगे। ये 3 टीस्पून हमने जीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, ये साबुत काली मिर्च ली है, 8 से 10 कली हमने लहसुन लिया है। अगर आपका लहसुन थोड़ा मोटा है तो 6-7 भी बहुत है। अब इन्हें मोटा मोटा कूट लेंगे। आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। काली मिर्च, जीरा और लहसुन हमने कोर्सली इसको कूट लिया है और एक इसको बोल में डाल देंगे। इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, कोर्सली इसे कूटना है। अब इसे भी एक साइड में रख देंगे। इमली को रखे आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए नरम हो चुकी है पूरी तरह से। इसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे और इसे छान के इसका पल्प निकाल लेंगे। एक बोल के ऊपर हमने छलनी ली है, इसमें ये इमली डालेंगे और इसे ऐसे दबा के इसका पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए पूरी तरह से नरम हो चुकी है इमली। इमली को हमने अच्छे से छान लिया है, अब इसे एक साइड में रख देंगे। तो चलिए रसम बनाना शुरू करते हैं। गैस जलाएंगे, गैस को अभी सिम पे रखेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे और राई को क्रैकल होने देंगे। गैस को हमने सिम पे ही रखा है। राई क्रैकल होना शुरू हो गई है, अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और साथ में ये 2 लाल मिर्ची, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ कड़ी पत्ते हैं, 10-15। गैस को लो पे कर देंगे और इन्हें स्टर करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें ये हमने एक बड़ा टमाटर लिया, उसको बारीक काटा, ये भी डाल देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। गैस को हमने सिम पे कर दिया, बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब इसमें ये जो काली मिर्च, जीरा और लहसुन हमने कोर्सली ग्राइंड किया था, ये भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी भी डाल देंगे और इसे 10-15 सेकेंड हम भूनेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे। गैस को अब मीडियम पे कर देंगे। अब इसमें इमली का पानी डालेंगे और साथ में 2 कप पानी और डालेंगे। नमक भी साथ में डाल देंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक या 1/2 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को फुल पे कर देंगे और इसे उबाल आने देंगे। उबाला आ गया है, अब गैस को सिम पे कर देंगे और इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे, बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। रसम को पकते 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे थोड़ा
तकरीबन 1-2 टेबलस्पून है ये, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारा रसम तैयार है, अब इसे सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी रसम। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, इडली के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।